जी सर, मैं एक एगो परिवर्तन की बात कर रहा हूं। जी इस एगो परिवर्तन में जी शर्मा जी, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? आप अपने आप को देख पा रहे हैं क्या? अपनी कोई भूमिका आप तलाश पा रहे हैं क्या? नहीं सर, कोई नहीं, नहीं तो आपको अपनी भूमिका नहीं तलाशना चाहिए क्या? तलाशना चाहिए सर। देखिए, इसमें तीन भूमिकाएं हैं, जी ये सर, आपको तय करना है कि आपके ऊपर कौन सी भूमिका फिट बैठती है। जी सर, एक है सदस्य की भूमिका, जी दूसरी है चंद्रगुप्त की भूमिका, जी और सर, तीसरी है महादुष्ट की भूमिका। एक महादुष्ट की भूमिका भी रखी गई, आपको जानकर ताज्जुब होगा। आपको आपको ताज्जुब नहीं लग रहा है कि मैं ये क्या कह रहा बात तो आप सही हूं? कह तो रहे हो। महादुष्ट की भी हमने भूमिका एक कल ही पैदा की है। जी इसके पहले महादुष्ट की भूमिका नहीं थी, क्योंकि जी जी मैंने ये पाया कि जी तीन तरीके के लोग मैंने महसूस किए। जी एक वो लोग हैं जो कि डरे हैं, सहमे हैं, घबराए हैं, और इस वर्तमान व्यवस्था के सताए हुए हैं, डराए हुए हैं, उत्पीड़ित हैं, अपमानित हैं। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, राइट? ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को हमने अपराध मुक्त भारत मिशन का सदस्य माना है। और जी वो सदस्य अपने शब्दों में शपथ ले रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं डरा हूं, सहमा हूं, घबराया हूं, उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, ऐसे तो सर बहुत और आपने, मेरा सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियां मुझे जो है इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं पर्दे के आगे आऊं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। जी, वो क्या कह रहा है कि मैं पर्दे के पीछे रहूंगा पीछे पीछे और सदस्य शपथ के तहत अपने ही परिवार वालों को, अपने जी, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, आगे अपने किए जाए आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, और ऐसे समाज सेवी संगठन जिनसे मैं बरसों से जुड़ा रहा हूँ, उनको ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत करके जोड़ूंगा। और 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। जी, पहले मैं वर्ड बोलता था जोड़ूंगा, अब मैंने उसको जोड़ने का प्रयास में कर दिया, जी, क्योंकि मुझे लगा कि हम एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ने के लिए क्यों बेचारा को तंग करें, जब 100 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। सिर्फ खुद को जोड़ने से ये महापरिवर्तन आ जाएगा, तो कम से कम हम उसके दिमाग में ये बोझ क्यों डालें कि 90 लोगों को जोड़ना ही है। ये मॉडल कह रहा है कि 90 करोड़ लोगों को खुद जुड़ जाना है और किसी को नहीं जोड़ना है, तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। इस मॉडल का पार्ट टू कह रहा है कि सिर्फ 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। जी सर, फिर कह रहा है कि 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। फिर कह रहा है कि 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। फिर कह रहा है 90 हजार लोगों को 40 को जोड़ना है। फिर कह रहा है 9 हजार लोगों को 50 को जोड़ना है। फिर कह रहा है 900 लोगों को 60 को जोड़ना है। फिर कह रहा है कि 90 लोगों को जो है 70 लोगों को जोड़ना है। और फिर कह रहा है कि 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, जो है मैथिली शरणगुप्त। जी, तो आप बताइए, हर व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ने की शपथ दिलाने के की कोशिश के बजाय प्रयास करने में डालना ज्यादा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? बराबर तो ये इसका जो है सदस्य की शपथ है। और जो चंद्रगुप्त की शपथ है, वो कह रहा है कि मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं जो है जो गुलामों के नियम कानून, दुष्ट राजनेताओं ने, जो अंग्रेजों के ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाया था, और उसको जो है उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दूंगा। फिर वो जरूरी कह है रहा है कि जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, अपमानित करने के लिए भारतीयों को, जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, उसको जो है आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। वह व्यवस्था जो है पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। ऊंचे पदों पर मैत्री शरणगुप्त जैसे बैठे लोग यदि सही निर्णय सही समय पर नहीं लेते हैं,
तो उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा जो उनकी औकात के बाहर होगा। फिर वो कह रहा है कि जो लॉर्ड मैकाले ने 1780 पेज की रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा व्यवस्था का गुणगान करते हुए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा था, उस एक्ट को मैं बदल दूंगा, भारत की शिक्षा फिर से प्रायोगिक हो जाएगी, क्रिएटिव हो जाएगी, इनोवेटिव हो जाएगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड होकर भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। 5% के साथ जो है ना अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी और क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत का वो परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसे शिक्षा भी दी जाएगी, हुनर भी दिया जाएगा, आवागमन के साधन भी दिए जाएंगे, वस्त्र भी दिए जाएंगे, उसको कल्चर भी सिखाया जाएगा और कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलेगी। और फिर भी उस परिवार की जो है आमदनी क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी। ऐसा अद्भुत भारत पैदा करने के लिए मैं अधिक से अधिक लोगों की संगोष्ठी करूंगा और अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करूंगा। ये हो गया दूसरा करैक्टर। अब तीसरा करैक्टर है महादुष्ट का। वो कह रहा है कि मैं महादुष्ट हूँ, मैं ना अपने प्रति वफादार हूँ ना अपने बच्चों के प्रति, मुझे यही गुलामों के नियम कानून बहुत पसंद आते हैं। जब तक मुझे कोई जूते लाते नहीं मारता है तब तक हमें आनंद ही नहीं आता है। मैं अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अच्छा भारत नहीं चाहता हूँ, मैं महादुष्ट हूँ। कैसी लगी आपको ये बात? बात तो सही लगी पर ये तीसरी वाली बात खराब है। नहीं, ये बहुत अच्छी है क्योंकि अधिकांश लोग इसी भाषा में समझते हैं। हाँ, जी जी जी। क्योंकि वो महादुष्ट हैं, वो दल गुलाम हैं, वो अंधभक्त हैं। दल गुलाम और अंधभक्तों में बिना किसी कारण से अपने आप को दल गुलाम और अंधभक्त क्यों बनाया हुआ है? गलत है। वो क्यों है अंधभक्त? किसने क्या कर दिया है? वो दल गुलाम क्यों है? जिस कांग्रेस ने डरे हुए अंग्रेजों से अंग्रेजों की शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए, हम उनके दल गुलाम और अंधभक्त क्यों हैं? हम जो है जिन्होंने हमारे ऊपर संविधान की व्यवस्था के विपरीत, हमें तो भारत के संविधान ने बराबर पैदा किया था। इन दुष्ट राजनेताओं ने बहुसंख्यकों को जो है समानता के अधिकार से भी वंचित कर दिया। कितने दुष्ट हैं ये राजनेता। फिर हम अंधभक्त क्यों हैं? नहीं, इस बात का मेरे पास कोई जवाब है कि हम अंधभक्त क्यों हैं? नहीं है सर। हम दल गुलाम क्यों हैं? हमें ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? आना भी चाहिए पर संविधान के दिशा निर्देश ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। फिर कांग्रेस की दुष्टता देखिए, 1952 में हिंदू मैरिज एक्ट और ये कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून क्यों आए हैं? क्या ये संविधान का दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? है पहले से ही। जब ये संविधान ने कहा है कि देर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट क्रीड सेक्स रेस और रिलीजन, तो भाई साहब ये मंडल कमीशन कैसे आ गया? आप मुझे बताइए, क्या मंडल कमीशन आ सकता है? नहीं आ सकता है। वो तो ये लाए लोगों को दुष्ट। तो फिर हम दल भक्त क्यों हैं? हम दल गुलाम क्यों हैं? हम अंधभक्त क्यों हैं? हम ये महादुष्ट के सर्टिफिकेट के लिए क्यों जो है ना प्रतीक्षा रहते हैं कि कोई हमें महादुष्ट का सर्टिफिकेट दे? क्या हम अपनी दुष्टता से वंचित नहीं हो सकते? अपने आप को जो है ना ऊपर नहीं ला सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए खुद के लिए अच्छा भारत पैदा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो फिर शर्मा जी, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों सोए हुए हैं? आप अपने आप को जो है मुरैना के पानी की सौगंध दे दिया, आप अपने नहीं जाग रहे हैं, तो फिर आप महादुष्ट कहलाएंगे? कहलाएंगे सर, आज की बात सर जैसा आप निर्देशित करें। और तो मैं चाहता हूं आप नहीं, देखिए ये आपको देखना है कि आप डरे हुए सताए हुए प्राणी हैं तो आप शपथ ले लीजिए कि हम सदस्य बनेंगे। 10 लोगों को पहले अपने घर वालों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, मित्रों को जोड़ो, पड़ोसियों को जोड़ो जी।
युवा साथियों को जोड़ो, राइट। और अब तो हमने वो मॉडल भी ले आए हैं कि जिनके पास फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, उनको भी कैसे जोड़ना है। तो जब आज के बारे में आप समझना चाहे तो मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। जी जी, है कि नहीं? जी सर। चलिए, तो आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई संदेश दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। क्या आप मुझे बधाई दे रहे हैं, इससे देश का भला होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। क्या आपका खुद का भला होने वाला है? नहीं है। आपके बच्चों का भला होने वाला है? नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप सदस्य चंद्रगुप्त या अपने आप को महादुष्ट क्वालिफाई करेंगे तो महादुष्ट क्वालिफाई करने से भी एक फायदा है जी, दूसरे लोग जाग जाएंगे, वो कहेंगे भैया मैं महादुष्ट नहीं हूं। तो ये आप सर मुझे सदस्य रहूंगा आपका, मतलब देखो मैं तो ये कहूंगा कि क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, चंद्रगुप्त क्यों नहीं हो सकते? चंद्रगुप्त का मतलब है कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, ताज भी आपके सिर पे होगा। यदि आप लोगों को जोड़ने की कवायद में जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन यदि आप नंबर वन पे आ गए तो आप शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री होंगे। क्यों नहीं बनना चाहते आप, जब आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं जी, आपको किसी की चाटुकारिता नहीं करना है, सिर्फ जी, जी। लोगों के जोड़ने की मेरिट लिस्ट पे आने के आधार पर यदि आपको मुख्यमंत्री बनने का ताज मिल रहा है जी, जी। तो यदि आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते और काबिलियत रखते हैं लोगों को जोड़ने की जी, तो फिर आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। बात तो सही है ना। चलिए अभी आप सदस्य करिए तो आज आपको 10 लोगों को जोड़ना है। जरूर सर। आप जो है क्या ऐप से जुड़े हुए हैं? जी सर, मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, आप मुझे थोड़ा, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, उससे लिंक को डाउनलोड कर लीजिए। फिर जी, आपको जी। 3 काम करना है। यदि आप लिंक से जुड़ जाएंगे तो उसमें वो जो कि आप जुड़ गए हैं तो एक रेफरेंस, उसमें मैथिल गुप्त का नाम भी लिखा रहेगा, उसका आप स्क्रीन शॉट भेजिए। फिर सदस्य की शपथ जो है ना, जो भी आप मैसेज पा रहे हैं उन हर मैसेज में एक लिंक है स्वर्णिम भविष्य, उसको खोलेंगे तो उसमें जो है ना चंद्रगुप्त की और सदस्य की लिंक भी है, राइट जी, जी। तो यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, लेकिन आपको पहले उसी से खोलिए तो सभी को जो है ना उससे फायदा होगा। तो उस सर्टिफिकेट को आप प्रिंट आउट लेके साइन करना है आपको, और उसे अपलोड करके टेलीग्राम से मेरे पास भेजना है, और फिर उसको शपथ को पढ़ते हुए आपको अपना वीडियो बनाना है, उसे भी इसी नंबर पर टेलीग्राम पर भेजना है जी, जी, जी। फिर आपको काम करना है कि 10 लोगों को जोड़ना है जी सर, 9 दिन तक 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है जी, आप जी। जैसा व्यक्ति तो जो है चंद्रगुप्त बनने की भी काबिलियत रखता है, तो 90 क्या, आप तो 900 लोगों को जोड़ने की हम वो रखते हैं काबिलियत, राइट। तो अपने आप को स्थापित करिए। और ये बताइए, दुष्ट राजनेता आपके प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? जिनना उनका सोच है ना चिंतन है, जो रोज जो है दुष्टतापूर्वक जो है ना अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, जो स्वयं जो है देश प्रेमी नहीं है, और जो कि आपके साथ सट्टा कर रहे हैं, फ्री भी बांट रहे हैं, आपका कल्चर खराब कर रहे हैं, आपके श्रम करने की शक्ति को आपसे छुड़ा ले रहे हैं, वो तो आपसे उससे उनसे बड़ा दोषी तो और कोई हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। आज आप ये देखिए, फ्रीबी के चक्कर में मजदूर ने काम करने की अपनी क्षमता खो दी है जी। तो ये क्या मिस्टर शिवराज सिंह जी का देशद्रोह नहीं है? बहुत बड़ा है सर। तो ये देशद्रोह करने की इजाजत हम किसी को क्यों दें? आप बताइए मुझे। नहीं, देना नहीं चाहिए। मानव शरीर में आप पैदा हुए हैं तो श्रम करना और सम्मान से जीना, ये दो मानव सहित आपके अधिकार है, मानवता के तहत अधिकार है आपके जी। तो इन दुष्ट राजनेताओं ने आपसे मानवता का अधिकार भी छुड़ा लिया। नहीं, ये बताइए ना, मतलब ये अपनी दुष्टता में कि इनके फ्री भी बांटने से इन्हें टिकट में मतलब वोट मिल जाएंगे और ये जीत जाएंगे और ये दुष्टता पूर्वक आपके जो है ना मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने आपसे मानवता का अधिकार भी छुड़ा लिया। बराबर। तो धर्मेंद्र जी, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ये बातचीत जो है अभी चंद मिनटों के बाद रिलीज हो जाएगी। जी जी, मैं सब इसको शेयर करूंगा अपनी बात को। नहीं नहीं, आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, मुरैना की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही सर, संदेश यही देना चाह रहे हैं कि किसी की फ्री की रेवड़ियों में मत पड़ो भाई, अपना श्रमदान करें, अपने बच्चों को और अपने भविष्य के बारे में
भविष्य के बारे में और बच्चों के भविष्य के बारे में सोच समझ कर काम करें और आगे बढ़ने की अपनी क्षमता रखें अपने आप में। बिल्कुल, और जिस भूमिका में आप अपने आप को देख रहे हैं सदस्य चंद्रगुप्त या महादुष्ट, निर्भीकता से उसे जाहिर करें और उसकी शपथ के अनुसार कार्रवाई करें। यदि महादुष्ट हैं तो महादुष्टता करने का भी आपको अधिकार है, है? हम आपसे महादुष्टता करने का अधिकार नहीं छुड़ाएंगे। जी।